घुटने एवं कूल्हे के रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी एवं रीढ़ की हड्डी सर्जरी के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहरों में। निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर 17 फरवरी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्थान रविंद्रा अस्पताल, मॉडल टाउन, पानीपत। संपर्क करें 9999611628 और 8295353535। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज डॉक्टर सुनील कुमार सोफर सुपर स्पेशलिटी डीएनबी कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। पीसीसी अकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी अकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी, हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। इस समय हम पहुंचे हैं बड़ोली में, कैंसर हॉस्पिटल बना है जीटी रोड पर, शायद पहला हॉस्पिटल है। और प्रेम हॉस्पिटल आप जानते होंगे बिशनशिप कॉलोनी में, उन्होंने इस हॉस्पिटल की स्थापना की है। तो डॉक्टर अभिनव मेरे साथ हैं जो पूरे सिस्टम को देखें, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो बधाई आपको जी। थैंक यू कुलवंत जी, थैंक यू वेरी मच। सर हॉस्पिटल खुला है पहला हरियाणा में, जो आप मशीन लेके हैं, पहले तो इस मशीन के टेक्निक के बारे में बताइए किस तरह ये काम करेगी, और ये ऐसी मशीन हरियाणा में है पहले कि नहीं? हरियाणा में सिर्फ बड़े शहरों में ऐसी मशीन है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में ये पहली मशीन है। ये बेसिकली एक रेडिएशन थेरेपी मशीन है, इसको वेरियन कंपनी ने बनाया है। ये एक लीनियर एक्सेलरेटर है जो फोटोन एनर्जी के माध्यम से रेडिएशन पेशेंट्स को देती है। ये बहुत ही एक हाई प्रिसिजन मशीन है, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड से इसके पार्ट्स इंपोर्ट हुए हैं, और ये हरियाणा में बहुत कम है। कैंसर ट्रीटमेंट में मोर देन 50% ऑफ कैंसर्स रिक्वायर रेडिएशन थेरेपी के, मतलब उनको चाहिए होता है रेडिएशन थेरेपी। ऐसी मशीन ये बहुत ही आधुनिक प्रिसिजन कि अगर हमने एक, जैसे आज हम अपना पहला ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट ट्रीट करने जा रहे हैं, अगर हमने उनको प्लान किया ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो ना ये ऊपर ना ये नीचे, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर पे रेडिएशन डिलीवरी करेगी। और इसमें एमएम का प्रिसिजन रहता है, सेंटीमीटर भी नहीं, मिलीमीटर का प्रिसिजन रहता है। डॉक्टर साहब दूसरा सवाल मेरा ये है कि कैंसर की शुरुआत के बारे में लोगों को पता नहीं होता, अभी मेरे को कैंसर होना चालू हो गया, क्या सिस्टम, क्या उसमें पता लगता है कि अब उसको कैंसर की शुरुआत होनी चाहिए, क्या दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कैंसर के पीछे एक बहुत डर और एक बहुत हुआ जुड़ा हुआ है।
अगर हमें पता लगता है कि हमें किसी प्रकार के सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे ओरल कैंसर्स में हमें छाले हो जाते हैं जो ठीक नहीं हो रहे होते, और लंग कैंसर्स में जो खांसी हो रही होती है या खांसी में खून आ रहा होता है, बलगम में खून आ रहा होता है, ठीक है, ऐसे कई प्रत्येक सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें अपना टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं कैंसर डिटेक्ट होता है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेज में, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कैंसर ठीक हो जाए। लोग बहुत डरते हैं इसका ट्रीटमेंट कराने से, लोग बहुत देसी इलाज की तरफ भागते हैं, लोगों में ये सोच है कैंसर ठीक नहीं होता, लेकिन आजकल ये ऐसी कटिंग एज टेक्निक्स से बहुत, मतलब मोर देन 60-70% कैंसर क्योरेबल रहते हैं। वही, मतलब पहले डर होता था इस चीज़ का भी कैंसर हो जाए तो बड़ी भयानक बीमारी मानते थे इसको, आजकल इसका इलाज संभव है। सर मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने कैंसर पेशेंट्स को, आज तक बीपी और शुगर, पूरे ज़िंदगी आपको दवाई खानी पड़ती है, वो ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे आप मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में पहले जीटी रोड बेल्ट पे बड़ी मशीन लेकर आप आए हैं और कैंसर हॉस्पिटल खुले हैं, कोस्ट वाइज बात की जाए दिल्ली और हरियाणा में कुछ कोस्ट वाइज भी फ़र्क पड़ेगा? दिल्ली में काम किया है, दिल्ली से हमने आधे रेट्स रखे हैं बिल्कुल, क्योंकि हम समझते हैं हरियाणा के डेमोग्राफिक, फादर मेरे बहुत इतने सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वी अंडरस्टैंड के जो पेशेंट्स हैं उनको कटिंग एज ट्रीटमेंट, आज की आधुनिक तकनीक से ट्रीटमेंट आधे रेट में देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पंकज भी हमारे साथ, डॉक्टर सर क्या कहना चाहेंगे, प्रेम हॉस्पिटल का नाम तो सबने सुना ही था, अब कैंसर हॉस्पिटल बनाया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुझे बड़ी खुशी है प्रेम हॉस्पिटल मेरे फादर ने शुरू किया था, डॉक्टर प्रेम अस्पताल, डॉक्टर प्रेम कुमार ने, जो एक बहुत लोकप्रिय डॉक्टर थे 30 साल की सर्विस में, और हमने पानीपत और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स और शहरों में हमेशा एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी देने की कोशिश करी है जो दिल्ली के एट पार रहती है, चाहे वो पहला सीटी स्कैन हो या पहला एमआरआई हो या ब्लड बैंक हो या न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट हो। ये भी एक वैसे ही एक स्टेप है। डॉक्टर अभिनव जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, राजीव गांधी कैंसर में काम कर रहे थे, यहाँ पर अपने शहर में वापस आए हैं यही मशीन लगाने के लिए जो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ये मशीन जीटी रोड बेल्ट में राइट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ अवेलेबल नहीं है। मुझे ये बहुत खुशी है कि हम अपने लोगों की, अपनी सोसाइटी की, अपनी बिरादरी की एट बहुत लोअर रेट्स पे काम कर सकेंगे, उच्चतम काम कर सकेंगे विद प्रेसिशन, जहाँ पे कोई रिजल्ट वाइज डिफरेंस नहीं होगा। प्रेम हॉस्पिटल में वैसे भी कंप्लीट डायग्नोस्टिक अवेलेबिलिटी है, चाहे वो सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, न्यूक्लियर मेडिसिन हो, जो चीज़ इवन न्यूक्लियर मेडिसिन, लीनियर एक्सलेटर, ये मशीनें इवन PGMS रोहतक में उपलब्ध नहीं है, वी यहाँ पर उपलब्ध है। ये इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की और आसपास एरिया की एक बहुत बड़ा बूंद साबित होगा, और जो लोगों को कैंसर के बारे में डर लगता है, मुझे उम्मीद है हम ये चीज़ भी उनको पढ़ा सकेंगे कि कैंसर इज़ क्योरेबल और इसके साथ जिया जा सकता है। आप जान रहे हैं कि डे बाय डे कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। अभी एक स्टडी ने बताया कि अमेरिका में 2025 तक, यानी 6 साल बाद, 2 में से 1 आदमी को कैंसर होगा। सिमिलरली इसी रेट में हमें भी देखा गया है, और डाटा हमने खुद प्रोसेस कर रहे हैं 2-3 महीने से कि द रेट ऑफ कैंसर हैज इंक्रीज्ड। सो आई होप कि इस शहर में और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में हम यही सेवा कर सकेंगे द वे वी हैव बीन डूइंग। थैंक यू। डॉक्टर अभिनव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, डॉक्टर पंकज के बेटे ही हैं ये, शायद किसी ना जानकारी हो तो, जीटी रोड बेल्ट पर ये हॉस्पिटल खोला गया तो काफ़ी कम रेटों पर, दिल्ली से आधे रेटों पर जो है आप यहाँ इलाज करा सकते हैं। तो ये मशीन जो आपको दिखाई, ये मशीन काफ़ी कॉस्टली, और इस मशीन को जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे राजीव गांधी हॉस्पिटल में ये मशीन, और इसी मशीन को यहाँ पर लाया गया तो एक काफ़ी मरीजों को थोड़ा सा मिलेगा, सहयोग मिलेगा इस चीज़ के लिए, उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तो पानीपत में अब इस चीज़ का इलाज जो है संभव है। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, sapno se behtar kal. Pai Sanskriti
school at Colors to Your Learning. By Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 a.m. For further details, please contact Prayag International School.